दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना के बारे में बात करूंगा। आप सब उनका मौत की खबर सुने ही होंगे, लेकिन आज मैं उनके जिंदगी के सफर के कुछ पहलू शेयर करूंगा जो बताएगा उनकी उम्मीद से भरी जिंदगी के बारे में। जब कोई समाज के प्रसिद्ध और सच्चे इंसान का वो भी कम उम्र में मौत होता है तो मन में बहुत सारे विचार और ख्याल आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा जीवन का नियम ही कुछ ऐसा है कि जो भी आता है उसको जाना ही पड़ता है। तो आइए रोहित सरदाना के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। रोहित सरदाना एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर, स्तंभकार, संपादक है। रोहित सरदाना 22 सितंबर 1982 में भारत के हरियाणा में जन्मे। रोहित हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने अपने शिक्षा गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पूरी की है। बाद से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री भी हासिल की है और उसी यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स की है। उन्होंने समाज के बीच अविश्वास और मुद्दों को दूर करने के लिए कई बहस की मेजबानी की है। रोहित सरदाना का करियर। रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद अपना करियर शुरू किया। वो एक हरियाणवी परिवार में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना था, चाहे जो हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनके रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। बहस से उनके काम को देखते हुए सिटी गवर्न ने भी एक शो रोहित को दे दिया। कुछ डेढ़ साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए। वहां रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां से रोहित को बाद में ट्रांसफर हैदराबाद में हो गया। वहां रोहित ने मैनी टीवी एंकर के ऑडिशन दिया, पर कुछ सफल नहीं हो पाए। सफल ना होने के बावजूद भी वो अपने काम पर अटल रहे और धीरे धीरे सफलता की दौर उनके पेट चूमने लगे। रोहित सरदाना का टीवी एंकर होने का सफर। फिर रोहित ने 5 महीने बीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वही काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए, उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर। 2004 साल में सहारा के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। इसके अलावा उनके शो मतदाताओं को अपना नेता तय करने में मदद करते थे। जी न्यूज में एक डिबेट शो ताल ठोक के किया करते थे, जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो से उन्होंने काफी नाम कमाया। 2017 में उन्होंने जी न्यूज को छोड़कर आज तक में ज्वाइन कर लिया और वो डिबेट शो दंगल को मेजबानी करते थे। रोहित सरदाना को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि संजुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड। रोहित सरदाना का वेतन। रोहित जो ज्यादातर अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते, अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 1 मिलियन है। वो एक अलग शो और होस्टिंग कार्यक्रम से भी अच्छी मोटी कमाई करते थे। रोहित सरदाना को लग्जरी आइटम का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा लग्जरी कार के मालिक है। इसके अलावा उनकी संपत्ति भारत में कई जगह फैली हुई है। लेकिन जिंदगी के धूप नामक संकट से लड़ते लड़ते प्यार भरे छाव में आता हुआ रोहित एक दिन सबको रुलाएगा, ये कौन जानता था। कब किसको कैसे मुक्ति मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। कुछ दिनों से वो अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे। पहले कुछ दिन उनका तबीयत उतना भी खराब नहीं थे। कोविड पॉजिटिव के बावजूद भी वो ट्विटर में ट्वीट कर रहे थे, जिस दिन उनका मौत हुआ उस दिन ही सुबह उनका तबीयत अचानक खराब हो गया और हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 2021 के सुबह जब उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके।
डॉक्टर के भाषा में अचानक कोविड के कारण तबियत खराब होने को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। असलियत में कोविड के कारण मौत है या इसके पीछे कोई साजिश है, ये रब ही जानते हैं। हॉस्पिटल में जो भी मौत हो रहा है आजकल उसका असली वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स में मिलावट है। लेकिन ये पता करना पुलिस का काम है। लेकिन जिस भी वजह से रोहित सर का मौत हुआ हो, मैं चाहता हूँ उनका आत्मा जहाँ भी हो सुरक्षित हो और उनको मोक्ष प्राप्त हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे जीवन में इंस्पिरेशन का लहर ला देता है।